कैसी अदा थी कैसा था तेवर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कैसी अदा कैसी अदा थे कैसा था तेवर अल्लाह हू अकबर कैसी अदा थे कैसा था तेवर अल्लाह हू अकबर एक बेटी ने जब कहा था ये डट कर अल्लाह हू अकबर एक बेटी ने जब कहा जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है लहू लहान आंखों में ख्वाब देखा है। कहेंगे लोग ये फख्र से सदियों तक हमने निकाब में इंकलाब देखा है। शिरनी भी आ गई है। एक अक्षर सुनिए। एक बेटी ने जब कहा था ये डट कर अल्लाह हू अकबर। वो बेटी कौन थी और उस बेटी ने क्या क्या कहा अल्लाह हू अकबर के पर्दे में क्या क्या है? अगर उस पर्दे को हटा दोगे ना तो आपको उसकी तफसीर मिलेगी कि जो कौम सोई नहीं थी उसको उस बेटी ने जगा दिया, जिसके हौसले पस्त हो गए थे उसे उसने ताजा कर दिया है। और माँ बहनों को तुम्हें भी ये पैगाम दिया है अल्लाह हू अकबर माथे पे शर्मो हया का हो जेवर माथे पे शर्मो हया का हो जेवर माथे पे शर्मो हया का हो जेवर कुछ भी हो रहना है पर्दे के अंदर कुछ भी हो रहना है पर्दे के अंदर हाथों से छूटे ना जहरा की चादर अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर कैसी अदा थी कैसा था तेवर अल्लाह हू अकबर ये भी मिजाज मिला है। अब ये बोल बोल कर
अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कैसा। आप सोचे एक इंसान एक और मुखालिफ रूप एक 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 तरफ एक लड़की एक तरफ एक लड़के है ना एक तरफ कोई दूसरा नारा और एक बेटी अकेले कलमाए मतलब बयान कर रही है। एक शेर सुनिए और उसकी मंजर कशी मैंने एक शेर में की है। इंशाल्लाह मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाएगी शेर से। सुने अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कैसा रहा होगा उस वक्त मंजर। कोई अपनी जगह पे नहीं रहता ये शेर से। आप कल नेट खोलिएगा मैं 3-4 दिन पहले मैंने इस कलाम को पढ़ा है कई के पहुंच गया इसका भी समझ रहे हैं। और जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ उस शेर को आप सुबह सर सर के देख लिएगा कि शेर पे लोगों ने कैसा सुना है और हमने कैसा सुना है। कैसा रहा होगा उस वक्त मंजर कैसा रहा होगा उस वक्त मंजर जब सामने था दरिंदों का लश्कर जब सामने था दरिंदों का लश्कर कैसा रहा होगा उस वक्त मंजर जब सामने था दरिंदों का लश्कर जब सामने था दरिंदों का लश्कर मुस्कान कहती थी मुस्कान कहती थी पर्दे में रहकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मुस्कान कहती थी पर्दे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब एक शेर सुन लीजिए आप नीचे है ना फिर शिरनी आ गई है तो उसका ख्याल मैं रखता हूं। आखिरी शेर पढ़ता हूं और अगर ऐसा जज्बा हो ना तो फिर ये शेर बहुत सूट करता है। जो शेर मैं पढ़ना जा रहा हूं मुलाहिजा करें इसमें ये शेर जो है ना अगर समंदर में पढ़ा जाए ना तो वहां से भी शोले निकलेंगे वहाँ से भी शोले निकलेंगे। जहाँ बर्फबारी हो रही है अगर वहाँ पढ़ दिया जाए तो आतिशबाजी होगी। शेर पढ़ता हूँ मैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर छोड़ दे नफरत का जहर उकलना छोड़ दे नफरत का जहर उकलना छोड़ दे नफरत का जहर उकलना पासा जा तू अपनी हरकत से वरना छोड़ दे नफरत का जहर उकलना पासा जा तू अपनी हरकत से वरना पासा जा तू अपनी हरकत से वरना बोलेंगे हम तेरी बोलेंगे हम तेरी बोलेंगे हम तेरी बोलेंगे हम तेरी छाती पे चढ़कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बोलेंगे हम तेरी छाती पे चढ़कर बोलेंगे हम तेरी छाती पे चढ़कर बोलेंगे हम तेरी छाती पे चढ़कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कैसी अदा थी कैसी अदा थी कैसा था तेवर कैसी अदा थी कैसा था तेवर बोल दीजिए एक बार मेरे साथ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कलाई मरोड़ो
पेपर टगी की कलाई मरोड़ो ए बहनों तुम कभी पर्दा ना छोड़ो माँ बहनों तुम हरगिज पर्दा ना छोड़ो समझो पर्दे को ही समझो तुम अपना जेवर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कैसी अदा थी कैसा था तेवर कैसी अदा थी कैसा था तेवर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर एक बेटी कहती है पर्दे में रहकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आखिरी शेर इस दुआ के साथ अल्लाह ताला बारगाह में मेरी दुआ और हमारी दुआ क्या मैं बहुत बड़ा गुनाहगार इन उलमाए कराम के तसद्दुक आप जैसे अच्छे लोगों के तसद्दुक मरहूम की बाल बाल माफ़रत फरमाए करवट करवट जन्नत तुल फिरदौस में मकाम ए अलीन अता फरमाए आखिरी शेर पढ़ता हूं मुलाहिदा करें हु अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जुल्म का वो बच्ची कहती है जुल्म का हर एक शोला बुझा दो जुल्म का हर एक अगर आप भी सहमत हैं तो कोई आदमी खामोश न रहे जुल्म का हर एक शोला बुझा दो जुल्म का हर एक शोला बुझा दो ईमान का फूल दिल में खिला दो ईमान का फूल दिल में खिला दो हर वक्त बोलो तो हर वक्त बोलो तो हर वक्त बोलो यही मुस्कुरा कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अकबर अल्लाह अकबर कैसी अदा थी कैसा था तेवर कैसी अदा थी कैसा था तेवर अल्लाह अकबर अल्लाह